हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आज़म मंसूरी और आप देख रहे हैं बेस्ट प्रोडक्ट क्लिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले LG के रिमोट फंक्शन के बारे में। क्या क्या आपको इसमें फंक्शन देखने को मिलते हैं वो इसमें बताने वाले हम। आप जब इसी को ऑन करोगे तो टेम्परेचर जो है 24 पे रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखते हो तो 30 रख सकते हो, और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर आप जब मिनिमम टेम्परेचर लेके जाते हो तो वहाँ पर देखते हो आपको कितना टेम्परेचर मिलता है। मैक्स मिनिमम आपको 16 टेम्परेचर देखने को मिलता है यहाँ पर। बात करें इसमें कंफर्ट एयर की, आपको कितना कंफर्ट एयर देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर साइड में बटन है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो आपका कंफर्टेबल फ्लैप जो अपर की साइड में रखना है, आपको नीचे की साइड में रखना है, कहाँ पर रखना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हो। मोड की बात करें तो इसमें काफ़ी मोड है। फ़ैन स्पीड भी आपका हाई पे अगर आपको रखना हाई रख सकते हो, मीडियम है, मीडियम का ऑप्शन दिया है, लो का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपको लो रखना है तो आप लो भी रख सकते हो, अपने हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे। फ़ैन स्पीड वैसे आप इस पर हाई मीडियम लो, तीन ऑप्शन दिए गए, अपने हिसाब से वहाँ पर सेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें 6-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शन देखने को मिलता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर 80% रख सकते हो कूलिंग कैपेसिटी, 60% पे भी आप रख सकते हो उसको। यहाँ पर देखते हो आप, इसमें 40% का भी ऑप्शन है, आपको यहाँ पर 40% भी रख सकते हो आप। हाई कैपेसिटी पे आपको ले जाना तो HC लिख के आएगा, जो कि हाई कैपेसिटी 110% पे आपका इसे जो यहाँ पर वर्क करने वाला है। तो जैसे ही आप मोड हटाते हो तो आपका 18 पे जो 100% पे AC वर्क करता है यहाँ पर। और इसमें देखते हो आपको स्विंग का भी ऑप्शन मिलता है, आप अपने हिसाब से स्विंग रख सकते हो। आपको नीचे की साइड में फ्लैप रखना है या अपर साइड में या उससे अपर साइड में, चार पाँच ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको स्विंग लेफ्ट राइट रखना है कि कैसे रखना है वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आप अपना रूम का टेम्परेचर भी देख सकते हो, आपके रूम का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पर। आप अपने हिसाब से वहाँ पर चेंज कर सकते हो रूम का टेम्परेचर जो है, वो भी इसी का कूलिंग बढ़ा के आप वहाँ पर कम कर सकते हो। स्लीप मोड का ऑप्शन भी दिया है आपको, जो स्लीप मोड है आप बटन प्रेस करते हो तो जो ऑटोमेटिकली आपका जो AC है वो स्लीपर मोड पर चला जाएगा। यहाँ पर आपको टाइमिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको कितने घंटे के लिए AC को वर्क करना है तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से टाइमिंग जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकते हो। टाइमिंग का ऑप्शन बढ़ा भी सकते हो, कितने घंटे आपको यूज़ करना है, ऑन करना है या ऑफ़ करना है, वो भी नीचे साइड में बटन देखने को मिलता है आपको। और इसी के फंक्शन रिमोट में जाते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शन देखने को मिलते हैं। आपका AC में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पर एरर कोड भी आपको दिखाने वाला है यहाँ पर। और नीचे की साइड आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, लास्ट में एक बटन दिया है जो कैंसिल का ऑप्शन है, जैसे आपने टाइमिंग वगैरह करा वो भी कैंसिल कर सकते हो। और यहाँ पर AI प्लस ओपन हो चुका है, जब मतलब आपका AC जो है वो ऑटोमेटिकली रूम के सेंस को भी करेगा, और उसके बाद अपना टेम्परेचर जो है इंक्रीज डिक्रीज वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। कूलिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें आपका। टाइमिंग भी सेट ऑप्शन है, AI का प्लस जो है वो भी लगा सकते हो। मॉइस्चराइजर का जो है वो भी मीडियम लो हाई जैसे आपको रखना है, जो मॉइस्चराइजर है वो भी उसमें ड्राई हो जाएगा आपके AC में, जो है बैड स्मेल वगैरह जो भी है नहीं आएगा। फ़ैन स्पीड मोड भी दिया है इसमें, फ़ैन स्पीड जैसे आपको कम करना है कम कर सकते हो, ज़्यादा रखना है ज़्यादा रख सकते हो। और रीसेट का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है नीचे LG साइड में, देखते हो आप यहाँ पर एक सेंसर है, उस सेंसर को अगर आप किसी पिन या वगैरह से उसको दबाते तो जो आपका रिमोट है कुछ भी एरर वगैरह रहेगा तो वो सब उसमें रिमूव हो जाएगा, आपका रिमोट जो है पहले जैसा नया इसमें दिखने लगेगा आपको। और ये रिमोट की बात करें तो 2023 एयर कंडीशनर का न्यू मॉडल है का रिमोट है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे नए फंक्शन भी देखने को मिले हैं। आप AC ऑफ़ करते हो तो आपका AC ऑफ़ हो जाएगा, यहाँ पर जो टाइमिंग वो सेट रहेगा।